टॉप 5 में, हमारे पास बहुत पोटेंशियल है, हम इतना ज्यादा प्रोड्यूस कर, लेकिन अभी और ज्यादा पोटेंशियल को यूज करने की जरूरत है। एंड दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ट्राइंग की श्रिम्प प्रोडक्शन बढ़ाया जाए और इसके लिए एक्सपोर्ट किया जाए, और इसका काम जो है इस फाइनेंसिंग वगैरह का नाबार्ड को दिया गया। अब तो 2-3 मिनट नाबार्ड की बात कर ले, आई होप ऑल ऑफ यू नो नाबार्ड, वेरी गुड। चलिए नाबार्ड, 2-3 फैक्ट, ज्यादा लंबा नहीं क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। नाबार्ड, व्हाट इज द फुल फॉर्म नाबार्ड, एनीवन कैन टेल मी, हिंदी इंग्लिश वाले या इंग्लिश वाले? नाबार्ड नेशनल, तो नेशनल तो एक क्या होगा, एग्रीकल्चर, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर, और ये क्या होगा फिर, बीएसएफ बैंक, रूरल डेवलपमेंट, नहीं गूगल सर्च मत कीजिए, गूगल सर्च मत, एनएसए नेशनल, बस इतना ही जाना बाकी सब, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। चारों बार, पांचों बार, 11 के बाद से क्वेश्चन पूछे गए हैं 2-3 बार, इससे ध्यान रखिएगा। फुल फॉर्म नहीं पूछा गया, नाबार्ड से क्वेश्चन पूछे, मैं दो चीज पूछता हूँ, ना फुल फॉर्म भी पूछा गया है पहले के एग्जाम में 11 से पहले, अब नहीं पूछा, थोड़ा टफ क्वेश्चन आता है। नाबार्ड कब बनाया गया था, कुछ फैक्ट याद रखो काम आएगा, 1982, कमिटी थी शिवरमन सिंह कमिटी, शिवराज सिंह नहीं। नाबार्ड का काम क्या है, रीफाइनेंस कर, लिखा है नहीं इसमें, मतलब रीफाइनेंस मतलब सर, जैसे गवर्नमेंट कुछ पैसा देता है तो नाबार्ड इक्विटी लोगों को मिलता है, नाबार्ड फार्मर को लोन देता है, नो डायरेक्टली फार्मर को नहीं देता है, फार्मिंग तो क्वेश्चन पूछा गया, फार्मिंग को लोन देता है, नाबार्ड डायरेक्टली फार्मर को लोन नहीं देता है। नाबार्ड किसको देगा, आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों का शेयर है नाबार्ड में, और नाबार्ड जो है देता है बैंकों को, कोऑपरेटिव बैंक को, लैंड डेवलपमेंट बैंक को, रीजनल रूरल बैंक को, इन सब बैंकों को देता है नाबार्ड, और फार्मर दे कांट गेट द डायरेक्टली लोन फ्रॉम द नाबार्ड, नाबार्ड का ऑफिस नहीं मिलेगा यहाँ पे कहीं, एक कोई ऑफिस होगा आपको रांची में, तो नाबार्ड डायरेक्टली फार्मर्स को, नाबार्ड फार्मिंग को लोन देता है बट नाबार्ड फार्मर्स को लोन नहीं देता, नाबार्ड बैंकों को और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, वित्तीय संस्थाओं को लोन देता है, और फिर वो लोग जो कहाँ लोन देते हैं, वो लोन देते हैं फार्मर्स को, गेटिंग माई पॉइंट, है ना। और नाबार्ड जो है ये देश का एक सबसे बड़ा एनबीएफसी कहते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज कहते हैं, जो कि एग्रीकल्चर के साथ साथ रूरल डेवलपमेंट के लिए भी होता है। ये भी क्वेश्चन से पूछा गया कि क्या नाबार्ड से एग्रीकल्चर को लोन देता है, तो नो, नाबार्ड ऑल्सो प्रोवाइड द लोन फॉर द रूरल डेवलपमेंट, कृषि विकास के लिए भी ये लोन देता है, तो नाबार्ड के थ्रू इसको फाइनेंसिंग किया जाएगा, किसको, आपके झींगा पालन वगैरह जो चीजें हैं। अगला है डीपीआई, ये भी किया गया, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई। आजकल हम लोग एआई की बात कर रहे हैं, है ना, आजकल हम लोग एमएल की बात कर रहे हैं, आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, जीपीएस की बात कर रहे हैं, आजकल हम लोग जीआईएस की बात कर रहे हैं। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एमएल मतलब मशीन लर्निंग, जीआईएस मतलब, जीपीएस मतलब बता दो, ये जानते, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है, और जीआईएस मतलब ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीआईएस। ये सब क्या है कि एग्रीकल्चर के प्रॉब्लम को देखने के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे ना उसमें भी आता है, मैप के थ्रू समझाया जाता है कि पूरे इंडिया के मैप का जो ड्रोन के थ्रू या सेटेलाइट के थ्रू फिगर लेकर के, पिक्चर लेकर के, और किस एरिया में कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, पता है पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी जहाँ पे ज्यादा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुआ है, दे आर अंडर द डेंजर जोन, वहाँ पे जो वाटर लेवल डाउन हो गया है, वहाँ पे इन्वायरमेंट कमजोर हो गया है, और अभी जहाँ एग्रीकल्चर ग्रो नहीं हुआ है, झारखंड बिहार ईस्टर्न यूपी इन सब में क्या है, ग्रीन जोन में भी आ गए हैं, क्योंकि यहाँ अभी रिसोर्सेज का यूज नहीं हुआ है, जैसे आप लोग ग्रीन जोन में, रेड जोन में हो, आप लोग अभी रिसोर्सेज यूज नहीं हुआ, आप सिर्फ बैठते रहते हो, मेरा बोलना है तो मेरा रिसोर्सेज रोड निकल रहा है, लीवर किडनी सब कमजोर हो रहा है, तो आपका सब बढ़ रहा है, आपका अच्छा हो रहा है,
हाँ अहमद कैयास साहब का बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, लेकिन वो तो अलग बात है, लेकिन बाकी तो डिप्रिसिएट हो रहा है ना मेरे पारे बॉडी, और आप लोगों के बॉडी जो है नॉलेज ले रहे हैं। सो गवर्नमेंट कह रही है इसके थ्रू क्या करेंगे हम, वेदर के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, सॉयल के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे, एंड दैट डेफिनेटली साइंटिफिकली टेक्निकली हेल्प द फार्मर्स, बिकॉज फार्मर अवेयर की फार्मर में क्या करना है क्या नहीं करना है ये सब फार्मर को मिलेगा। तो ये सारे सिस्टम ला करके, आई होप कि आपने सुना होगा किसान क्रेडिट कार्ड भी, क्या होता है किसान क्रेडिट कार्ड, कब आया था याद है? इस सब को एक एक बार घर पे देख लेना, 1995 में आया था किसान क्रेडिट केसीसी, है ना, ये है 95 बोला था। तो ये सब फैक्ट देखो, डेट बहुत बार बार बोलता हूँ, डेट्स एंड द ईयर इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, बट इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस, इससे कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। तो आप इसको कर सकते हैं, जन समर्थ एक स्कीम शुरू किया गया है। जन समर्थ क्या है कि ये जो है एक पोर्टल है, एक वेबसाइट है जो कि गवर्नमेंट के स्कीम का इंफॉर्मेशन देता है। जन समर्थ जो है एक पोर्टल है, एक वेबसाइट है जिसपे सारे, अब जाके सर्च करो ना जन समर्थ लिखोगे ना आ जाएगा तुरंत। जन समर्थ एक पोर्टल है जहां पे एक ही जगह पर गवर्नमेंट के कितने स्कीम एग्रीकल्चर सेक्टर के फाइनेंस करने के लिए, बेनिफिट लेने के लिए, आपको जन समर्थ साइट मिल जाएगा। आप फार्मर हो, आप प्रोड्यूसर हो, वहां जाके लिंक हो सकते हो। जन समर्थ इज द पोर्टल, इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल दैट लिंक द ऑल गवर्नमेंट स्कीम। यह एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है, वेबसाइट है जहां पर गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम है उन सबको लिंक कर दिया गया है, आप उसके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो दीज आर द थिंग्स दैट इज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अनाउंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द प्रायोरिटी ऑफ द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द विकसित भारत 2047। अब ये सारे टर्म जो आप ध्यान रखना और इस पर अपने से भी कुछ नोट्स बना सकते हैं। सेकेंड प्रायोरिटी, दूसरी प्राथमिकता, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, इसकी बात हम लोगों ने पहले भी की है। एम्प्लॉयमेंट हमने कल बहुत सारी बात कर ली, एम्प्लॉयमेंट स्किलिंग को इस पर अब आगे बात करने की नीड नहीं है, लेकिन इसके लिए क्या क्या गवर्नमेंट अनाउंस किया है, ये तीन जो है स्कीम अनाउंस किए गए, स्कीम ए, स्कीम बी और स्कीम सी, ये तीन स्कीम है। पीएम पैकेज फॉर एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव, ये क्या है कि जो भी इंस्टीट्यूशन एम्प्लॉयमेंट दे रही है उनको कुछ बेनिफिट दिया जाएगा, या जो भी लोग एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं उनको बेनिफिट दिया जाएगा। तीन स्कीम है इसमें, स्कीम ए फर्स्ट टाइमर्स हैं, जिन लोगों को पहली बार कोई जॉब मिलेगा उनको अलग से 1 month wages to new entrants in the all formal sector in 3 installments up to ₹15,000। यानी पहली बार आपको जॉब मिलेगा तो गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव देगी, कितना अच्छा है। फॉर्मल सेक्टर में, फॉर्मल सेक्टर जानते हो मैं किस सेक्टर में, दो सेक्टर होते हो फॉर्मल इनफॉर्मल, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज। मैं किस सेक्टर में आता हूं, मैंडेट बटा हुआ है, वोटिंग कराना पड़ेगा मुझे। मैं जी कौन बोल रहा है जी, मैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में हूँ। क्यों मतलब आज क्लास नहीं तो भी पैसा मुझे मिलेगा। ऑर्गेनाइज सेक्टर वो होते हैं जहां पे आपकी सैलरी फिक्स होती है, जहां पे आपका टाइमिंग फिक्स होता है, जहां पे आपको पीएफ मिलता है, आगे आएगा पीएफ समझाऊंगा अभी, प्रोविडेंट फंड मिलता है, जहां पे इंश्योरेंस मिलता है, आप एक्स्ट्रा टाइम करेंगे तो मिलेगा, महीने की छुट्टी मिलेगी, सब मिलेगा। वो होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर। जितने भी गवर्नमेंट जॉब के लोग होते हैं, जो भी कंपनी, इंडिया में रूल क्या है कि जिस कंपनी में भी 20 से अधिक लोग काम करते हैं उस कंपनी को रजिस्ट्रेशन लेना होता है और उस कंपनी के सारी जो फैसिलिटीज है वो इम्प्लाई को देना होता है। लेकिन लोग कई बार करप्शन करके 20 लोग काम कर रहे हैं तब भी नहीं होता। मैं ऑर्गेनाइज सेक्टर का नहीं हूं, मैं प्योरली अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हूं। मैं आज क्लास जितना आवर लिया उतना ही मैं चाणक्य का इम्प्लाई नहीं हूं, मैं प्रोफेशनल हूं, मैं क्लास यहां लेता हूं, मैं कई जगह और क्लास लेता हूं। चाणक्य जो स्टाफ है, चाहे प्रिया मैम है, चाहे बाकी लोग हैं, ये सब लोग कौन है, जो अकाउंटेंट दीपक जी हैं, ये सब लोग कौन है, ये वो लोग हैं जो कि इम्प्लाई हैं, इनकी छुट्टी फिक्स है महीने की, वीकली छुट्टी है, इनका टाइमिंग फिक्स है। हमारा क्या है, कभी 12:30 क्लास लगा दो, कभी 9:30 क्लास लगा दो, कभी हिंदी मीडियम वाले परेशान हो गए,
कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, कभी 10:30, कभी 9:30 चल रहा है। तो हमारा यहाँ काम करें तो पैसा आज मिला, कल नहीं करें कल पैसा नहीं मिलेगा। कोई मंथली होल्डर नहीं है हमारा, कोई वीकली ऑफ नहीं है हमारा। हम बीमार पड़ेंगे तो इंश्योरेंस को नहीं मिलेगा यहाँ से, लेकिन जो इम्प्लाई होता है हमारा पीएफ को नहीं कटता है लोग, है ना। तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं उनको बड़ी फैसिलिटीज है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई फैसिलिटी नहीं है, वो अलग सेक्टर, दो टॉपिक पढ़ना होता है। तो ये कहा गया जो फॉर्मल सेक्टर में हम जैसे लोगों को नहीं मिलेगा कि ट्यूशन पढ़ाने का काम मिल गया आपको तो आपको इंस्टॉलमेंट देंगे। ट्यूशन पढ़ाना ही तो है जी। पूछ लो, मेरे से पूछ लो, मेरे से पूछ लो बाबू, पूछ लो। तुमसे बोला तुमसे। हाँ हाँ, कुछ पूछ लो, कुछ बोल रहे डाउट तो पूछ लो, ठीक है डाउट है ना। तो उनको जैसे 210 लाख, कितना करोड़ हुआ ये 210 लाख, कितना करोड़ हो गया? 10 लाख कौन करोड़ होता है यार, तो 21 करोड़ हुआ ना। 21 करोड़ यूथ को बेनिफिट मिलेगा एक्सपेक्टेड भाई। 21 करोड़ यूथ को कहाँ नया जॉब मिलने वाला है, लेकिन फिर भी कहा गया है। मान लीजिए ये स्कीम ए है, फर्स्ट टाइमर को बेनिफिट दिया गया। स्कीम बी जो है वो किसके लिए है, वो किया गया है कि जो लोग जॉब क्रिएशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, निर्माण क्षेत्र होते हैं, जो मतलब फैक्ट्री, जानते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या होता है, जहाँ पे फैक्ट्री होती है जो सब बनाती है चीज़ों को, उनमें क्या कहा गया है कि जो फर्स्ट टाइम इम्प्लाई होंगे उनको भी इम्प्लाई एंड इम्प्लायर दोनों को ईपीएफओ। ईपीएफओ क्या होता है? इम्प्लाई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा सा हम लोग बात कर ली, ईपीएफओ बहुत क्वेश्चन पूछता है, इससे 30 लाख यूथ को फायदा मिलने वाला। क्या आता है ईपीएफओ, सुने हो नाम कभी? बताइए सबको, मैं करा सकता हूँ, मुझसे अपने पूछ लेता हूँ, समझ जाओगे ना। पीएफ, पीएफ का मतलब प्रोविडेंट फंड, हिंदी में कहते हैं भविष्य निधि। क्या होता है पीएफ, मतलब प्रोविडेंट फंड भविष्य निधि। ये क्या होता है, पीएफ दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ईपीएफ और एक होता है पीपीएफ। ईपीएफ मतलब इंप्लाई प्रोविडेंट फंड और पीपीएफ मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इंप्लाई मतलब कर्मचारी भविष्य निधि और इसे कहते हैं लोक भविष्य निधि। पीएफ क्या, दो टाइप के हो गए। ईपीएफ जो होता है वो सैलरीड इंप्लाई के होता है और पीपीएफ जो है ये कॉमन के लिए होता है। सैलरीड और नॉन सैलरीड दोनों होते हैं। कॉमन में सैलरीड कैसे होते हैं बता रहा हूं, सैलरीड एंड नॉन सैलरीड, ये दोनों के लिए होता है। ईपीएफ क्या है कि जब कोई भी कंपनी में आप काम करते हैं, चाहे गवर्नमेंट के पास काम करते हैं, ध्यान सुन लेना, चाहे किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, जो रजिस्टर्ड है, जो ईपीएफ एक्ट बना हुआ अपने कंट्री में, ईपीएफ एक्ट 1952 में बना था, इसके अंदर 52 में ही बना था मेरे ख्याल, हाँ ईपीएफ 1952 में बना था, इसके अंदर कंपनी रजिस्टर्ड है, उस कंपनी को अपने इंप्लाई को पीएफ देना है। कैसे देना है सुन लो। अब जो रजिस्टर्ड होगा वो कौन कंपनी रजिस्टर्ड होगी, जिस कंपनी में 20 से अधिक लोग काम कर रहे होंगे उस कंपनी को कंपल्सरली पीएफ से ईपीएफ एक्ट के अंतर्गत ईपीएफ ऑर्गेनाइजेशन में जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ठीक है, क्या बोला मैंने कि जितने भी देश में कंपनियां हैं जिसमें 20 से ज्यादा लोग काम कर रहे होंगे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया, और उनको जाकर के ईपीएफ एक्ट के अंदर, ईपीएफओ है इंप्लाई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, वहां जाके क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। ठीक है, और जिस इंप्लाई की सैलरी 15,000 रुपये तक हो, 15,000 तक, उससे पर मंथ एटलीस्ट 12% काटना होता है। क्या बोला मैंने, किसके लिए कंपल्सरी है, जिस इंप्लाई की सैलरी 15,000 तक हो उससे 12% सैलरी काटा जाएगा। कैसे कटेगा, काटा नहीं जाएगा, इसका 12% कितना हुआ 1800। इस 1800 में 1800 हुआ ना, 900 जो है, और 900 जो है ये इंप्लाई की सैलरी से कटेगा, और ये 900 जो इंप्लायर होगा चाहे गवर्नमेंट हो और चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, जहां वो काम करता हो, यानी उसका सैलरी कितना 15,000 तक, तो उसको कंपल्सरी कटना है 12%, और ये 12% हुआ 1800,
1800 कटेगा 2% नहीं कटेगा, उसका सैलरी से 900 ही। इसको 900 काट करके कितना पैसा मिलेगा? 14,100 ही मिलेगा, ठीक है। और ये 900 जो कंपनी में काम कर रहा होगा, वो कंपनी चाहे सरकार की कंपनी हो और चाहे प्राइवेट कंपनी हो, मालिक देगा। और ये 1800 रुपीज हर मंथ जा करके उस आदमी का एक ईपीएफ अकाउंट खुलेगा, जो कि ईपीएफओ में होगा। किसका काम है? कंपनी का काम है कि वो ईपीएफ अकाउंट खोलेगा, उसका हर महीने 1800 रुपीज जाके जमा हो जाएगा उसके। और ये जमा जब तक वो नौकरी करेगा, जिंदा नौकरी करेगा, तब तक वो जमा होता रहेगा। इसमें से वो लोन ले सकता है, और ये गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट इस पे इंटरेस्ट भी देती है। अभी बढ़ाया गया 8.25 हो गया इसका इंटरेस्ट, अभी 4-5 दिन पहले आया था एग्जाम, हिंदू या कहीं न्यूज पेपर पढ़ा था मैंने। सर क्या बोल रहा हूँ, जितने भी इम्प्लाई हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, या ऐसा सेक्टर जो कि ईपीएफ एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो, कौन सा कंपनी होगा जिसमें 20 से ज्यादा लोग काम करते हैं, उनको रजिस्टर्ड होना होता है, और उसके 12% कैलकुलेट होगा, और 12% का हाफ जो है वो कंपनी देगी जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, और हाफ जो है 900 आदमी की सैलरी से कटेगा, और वो पैसा जमा हो जाएगा, और वो पैसा उसको निकाल सकता है, उससे लोन ले सकता है, और रिटायरमेंट के बाद पूरा पूरा पैसा विथ इंटरेस्ट उसको मिलेगा। लोन लेगा तो उसको इंटरेस्ट देना, अभी मान लो 1,00,000 जमा है, आप 50,000 लोन ले लोगे तो 50,000 इंटरेस्ट दो, फिर जमा भी कर सकते हो, जो बैंक में जमा होता है पैसे वैसे ही होता है, और एक गवर्नमेंट के पास होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि क्या इंप्लाई जो है 12% ज्यादा कटवा सकता है? तो हाँ कटवा सकता है। वो कहेगा नहीं, हम 900 नहीं देंगे, हम 1500 देंगे, अभी पैसा खर्चा नहीं है मेरे पास। गवर्नमेंट या इंप्लायर उतना ही देगा, जो 12% का आधा जो गवर्नमेंट देगा या इंप्लायर डालेंगे। वो चाहे अभी बैचलर है, सोच रहा है कि भविष्य की चिंता बहुत है उसको, बाद में फैमिली बढ़ेगी तो पैसा कहाँ से आएगा, तो चाहे तो 900 के बदले में वो 2,000, 1,500 जो जमा करना है, यहाँ ध्यान दो, वो जमा कर देगा वो, और बाद में वो चाहे तो कम भी करा सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जिस एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 से ज्यादा हो, वो क्या करा सकता है? एग्जैक्टली, उसे कहते हैं वीपीएफ, वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड। यानी जिस एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 से ज्यादा है, उनको स्वैच्छिक भविष्य निधि कहा गया है, वो अपनी मर्जी से चाहे तो करा सकता है और चाहे तो नहीं करा सकता है। क्योंकि ज्यादा भविष्य की चिंता इनको होती है, छोटे एम्प्लॉय को जिनकी सैलरी कम है इनको उतनी नहीं होती है। तो जिस एम्प्लॉय को अगर उसकी सैलरी 50,000 है, 1,00,000 है, वो भी चाहे तो पीएफ करा सकता है, लेकिन उसको पीपीएफ नहीं, उसको ईपीएफ नहीं, वीपीएफ कहेगा। यानी ईपीएफओ जो है, ईपीएफ जो है, ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है जीपीएफ और एक होता है वीपीएफ। जब कोई गवर्नमेंट कर्मचारी कराता है अगर अपने लिमिट से ज्यादा, उसे कहते हैं जीपीएफ, जनरल पब्लिक फंड। क्या बोला मैं, समझ में आ रही है बात क्या बोल रहा हूं मैं? यानी 12% से ज्यादा जब गवर्नमेंट इंप्लाई कराता है तो उस पीएफ को जीपीएफ कहते हैं, और जब कोई कॉमन मैन जो प्राइवेट सेक्टर कंपनी कराएगा उसे कहेंगे वीपीएफ। यानी जीपीएफ कई बार आता है, तो जीपीएफ समझ लेना कि जिस इंप्लाई की सैलरी 12,000 ज्यादा है और वो गवर्नमेंट इंप्लाई है और वो कहता है कि मैं पीएफ कटवाऊंगा, तो उसको हम जीपीएफ का नाम दिया गया है। समझ रही बातों को मेरे, वो जीपीएफ। और कोई प्राइवेट सेक्टर का इंप्लाई है, वो अगर अपनी सैलरी के 12% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, तो उसे हम वीपीएफ कहेंगे, वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड। कोई डाउट हो तो पूछ लेना आप। और ये भी है, अगर वो जो 15,000 का सैलरी है लेकिन ज्यादा जमा कर रहा है, तो भी वीपीएफ और जीपीएफ ही होगा। यानी जो कंपल्सरी लिमिट है उसको पीएफ ईपीएफ कहेंगे, और ईपीएफ का लिमिट से ज्यादा हो जाए या सैलरी ज्यादा हो तब भी जमा करे, तो उसे हम क्या कहेंगे? गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जीपीएफ कहेंगे, और प्राइवेट के एम्प्लॉय के लिए वीपीएफ कहेंगे, ठीक है। इस पर इंटरेस्ट मिलता रहता है, जब चाहे उसको निकाल सकते हैं, और सारा जो ईपीएफ अकाउंट एक्ट के अंतर्गत काम करता है, और गवर्नमेंट इस पर आपको इंटरेस्ट भी देती है, ठीक है। तो ये पीएफ। लेकिन जो प्राइवेट, जो फार्मर है, जो हम जैसे टीचर हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जो रिक्शा वाला है, सब्जी वाला है, जो कोई शॉपकीपर है, जो ऐसी कंपनी में काम करता है जहां पे पीएफ नहीं करता हो, वो ईपीएफ के रजिस्टर्ड नहीं हो, उन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि आप पीपीएफ कर लीजिए, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, क्योंकि आपको भविष्य की चिंता,
अब अटल पेंशन योजना सब आया है ना, सैलरी मिलेगा, वेतन वो पेंशन वगैरह मिलेगा, तो उनको कहा गया कि आप भी पीएफ करवा सकते हैं। इसमें क्या कहा गया, कोई भी आदमी करा सकता है, पर एनम रुपीज 500 से लेकर के रुपीज 1.5 लाख तक का, चाहे एक बार में लंपसम जमा करे और चाहे वो इंस्टॉलमेंट में जमा करे। यानी मैं चाहूं तो एक साल में मैं 500 मिनिमम और 1.5 लाख तक जमा कर सकता हूं, अपना पीएफ अकाउंट खुलवा सकता हूं, उसे पीपीएफ कहा जाएगा। 500 से कम नहीं, 1.5 लाख से ज्यादा नहीं। कॉमन मैन वो आर नॉट इंप्लाई और इंप्लाई बट नॉट अंडर द ईपीएफ एक्ट, तो उसके लिए दिया गया कि इनको भी तो भविष्य है, हमारा ही भविष्य है। भविष्य गवर्नमेंट जॉब वालों का थोड़ी है, भविष्य रिलायंस में काम करने वालों का थोड़ी है, भविष्य मेरा भी है। तो इसलिए कहा गया कि आप करा सकते हैं, एक ही बार जमा कर दो लमसम में, एकमुश्त, हिंदी में एकमुश्त कहते हैं, या मंथली इंस्टॉलमेंट कर दो। मुझे जमा करना है 1 लाख रुपए, 1,20,000, तो हर महीने 10,000 जमा कर रहा हूँ, हर महीने 5,500 जमा कर रहा हूँ, वो मेरे सैलरी से कट जाए, मेरे जो अकाउंट से होंगे, अकाउंट से लिंक होगा वो कट जाएगा, है ना। तो ये कहा गया कि इस पे। अब क्वेश्चन ये होता है कि क्या एक आदमी का 2 PF हो सकता है, तो नहीं, 2 EPF अकाउंट नहीं हो सकता है। लेकिन अगर किसी इंप्लाई का ईपीएफ अकाउंट है, एक्स का ईपीएफ है, ये चाहे तो पीपीएफ भी खोल सकता है। ईपीएफ के बाद एक ईपीएफ आप इंप्लाई है कहीं पर, आपका ईपीएफ है, आप पीपीएफ भी खोल सकते हैं। लेकिन जमा कितना करेंगे, इतना ही जमा कर पाएंगे। आपको डाउट हो रहा है इसके चेहरे पर, चेहरे पे डाउट है, दिमाग में डाउट नहीं है, चेहरे पे डाउट है। बोलिए क्या बोला। हाँ, मतलब मैं चाह रहा था, मैं काम कर रहा हूँ, मेरा पीएफ कटता है, यहाँ पे कटता है, कोई बात नहीं। मैं चाहूँ तो खुद अपने से कुछ पैसा सेविंग करना है, मुझे कुछ और सेविंग करना है, तो मैं पीपीएफ खोल लूंगा। ये 2 अकाउंट नहीं खोल सकते, या तो बढ़वा दूं यहाँ पर, या तो यहाँ बढ़ा दूं, या मैं प्लस नहीं, मुझे अलग से अकाउंट खोलना है, अलग से अकाउंट खोल लूंगा पीपीएफ। लेकिन मैं अगर 2 PPF नहीं हो सकता है, 2 EPF नहीं हो सकता है, लेकिन एक आदमी का एक ईपीएफ होगा और वो पीपीएफ भी हो सकता है। ये सब फैक्ट पूछेगा, एग्जाम वगैरह को पूछ सकता है, ध्यान रखना। पर्सन कैन पर्सन हैविंग 2 PPF अकाउंट, 2 EPF अकाउंट, नो, बट ईपीएफ है तो आप पीपीएफ भी खोल सकते हैं, ठीक है। इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना, ये कम होता है, ईपीएफ पे ज्यादा होता है, जनरली 1% का डिफरेंस होता है। ये जो होता है 7 से 8% के बीच में होता है, और ये जो 8 से 9 के बीच में होता है, ट्रेंड यही देखा गया है।